So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle. 27 November 2014 ये वो दिन है जिस दिन पूरा क्रिकेट जगत शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि इस दिन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक हुई थी। दरअसल 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेले जा रहे सेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सीन एबट की बाउंसर सीधा फिलिप ह्यूज के गर्दन पर जाकर लगी और उन्हें काफी गहरी चोट आई और तुरंत उन्हें सिडनी के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां वो दो दिन तक कोमे में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। पर आखिर में वो हार गए और 25 की यंग एज में उन्हें अपने सपने क्रिकेट की वजह से अपनी जिंदगी को अलविदा कहना पड़ा।